दो देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ तीन अपराधी गिरफ्तार। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में पड़वा नवटोल निवासी मुकेश पासवान एवं सनोज मुखिया पर गोली चलाने वाले तीन अपराधियों को मधेपुरा पुलिस ने दो देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी ने मुरलीगंज थाना क्षेत्र के बेलदौर नहर पर बीते 12 मार्च को देर संध्या में सनोज मुखिया एवं मुकेश पासवान पर मोटरसाइकिल लूट के दौरान विरोध करने पर गोली चला दी थी, जिससे मुकेश व सनोज गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसे तत्काल इलाज हेतु सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बेहतर इलाज हेतु उन्हें सहरसा रेफर कर दिया, जहां सहरसा के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल दोनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने मामले में मुरलीगंज थाना कांड संख्या 129-22 के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर दी है, जिसमें शंकरपुर एवं मुरलीगंज थाना अध्यक्ष की संयुक्त छापेमारी के दौरान गोली कांड के तीनों अपराधियों को शंकरपुर थाना क्षेत्र के मधेली गांव से गिरफ्तार करने में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। गिरफ्तार अपराधियों पर पूर्व से लूट हत्या जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने गोली कांड में प्रयोग की गई देसी कट्टा और कुछ नशे की आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। वहीं मधेपुरा SDPO अजय नारायण यादव ने बताया कि सनोज मुखिया एवं मुकेश पासवान गोली कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि जानकारी मिलते ही अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु शंकरपुरा थाना क्षेत्र के इलाके में नाकाबंदी कर शंकरपुर और मुरलीगंज थाना अध्यक्ष राजेश किशोरी मंडल ने अपने दलबल के साथ छापेमारी की, जिसमें तीनों अपराधियों को धर दबोच लिया गया, जिसके पास से घटना में प्रयोग किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस की आगे कार्रवाई चालू है। घटना की सूचना मिलते ही पूरी नाकेबंदी की गई थी, विभिन्न चौक चौराहों पर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में शंकरपुर थानाध्यक्ष और मुरलीगंज थानाध्यक्ष के द्वारा अपराधियों को पकड़ा गया है और उनके पास से जो घटना में प्रयुक्त हथियार था उसे भी बरामद किया गया है। अन्य कुछ आपत्तिजनक हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट।